अहद चीमा वो तोता है जिसमें शहबाज शरीफ की जान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान कहते हैं अपने लोगों को इदारों में बिठाया हुआ है। बड़े गॉडफादर ने विफाक और छोटे डॉन ने अपने बंदे पंजाब में लगाए हुए हैं। टकराव की पॉलिसी जमहूरियत और मुल्क के मफाद में नहीं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मियां साहब ने मुखालफीन के खिलाफ फैसलों पर बगले बजाई, आपने सजाओं के लिए जजेस पर दबाव डाला। नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत के लिए किसी की मोहर की जरूरत नहीं, नून लीग की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं। कभी देखा कि पूरी जमात को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया हो, ये मजाक नवाज शरीफ के साथ नहीं आवाम के साथ हुआ। हमारा हमसाय मुल्क सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियां दे रहा है, लेकिन हम डटकर मुकाबला करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखला एहसन इकबाल कहते हैं हमारे खिलाफ आलमी सतह पर साजिशें की जा रही हैं। तौहीन अदालत केस वजीर मुमलिकत बराए दाखला तलाल चौधरी ने तमाम मलबा मीडिया पर डाल दिया। तलाल चौधरी ने अपने वकील कामरान मुर्तजा की वसादत से सुप्रीम कोर्ट में अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस मौसम एक बार फिर सर्द हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कश्मीर फाटा गिलगित बल्तिस्तान क्वेटा जोब कल्ला डिवीजन खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर कहते हैं कि PSL एक ब्रांड बन चुका है और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन है। PSL ने पाकिस्तान क्रिकेट को मुतअद्दिद स्टार्स दिए हैं। और बॉलीवुड के दबंग खान ने अपनी नई फिल्म के रिलीज का ऐलान कर दिया। सलमान खान ने अपने बहनोई आयुष शर्मा और वरीना हुसैन को मुतारिफ कराने के लिए अपनी नई फिल्म लव रात्रि को 5 अक्टूबर पर रिलीज करने का ऐलान ट्विटर पर किया। अस्सलामुअलैकुम, तहलका न्यूज के साथ मैं हूं आमिर बेग और मैं हूं नुसरत खलील। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट तहलका.tv।